हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HPFS। आज जो हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं, ये वीडियो हम लोग एक कलरीमीटर्स के लिए जो हमारा 173B मॉडल है इसके लिए बनाने जा रहे हैं। हमारे कस्टमर हैं, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं, पेलिकन पॉली पैलेट्स प्राइवेट लिमिटेड। इनका सैंपल आया हुआ है, इस सैंपल का ये मास्टर है और इस मास्टर के सामने इन्होंने कुछ हमको ये सैंपल्स दिए हुए हैं। इस सैम्पल्स का LAB वैल्यू हमको चेक करके का रिपोर्ट बना के भेजना है। ये रिपोर्ट और ये टेस्टिंग हम लोग जो करने वाले हैं, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट 173B के साथ करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टेस्टिंग। जैसे कि आप अभी देख पा रहे हैं, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है LS173B। इस इंस्ट्रूमेंट के साथ में, जैसे कि मैं हमेशा वीडियो में दिखाता हूँ, आपको एक लोकेटर आएगा। इस लोकेटर को आप रख के मार्क कर सकते हैं अपना एरिया जहाँ पे आपको रीडिंग लेना है। ये आपका वारंटी कार्ड आएगा, ये आपका लिनन क्लोथ आएगा फॉर क्लीनिंग द स्क्रीन। ओके, दिस QR कोड यूज, ये मैनुअल है तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपना ऐप या जो भी इंस्टॉलेशन या मैनुअल ऑपरेशन जानने के लिए, PC सॉफ्टवेयर वगैरह। ये कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट आता है इसका, कैलिब्रेशन रिपोर्ट LS173B का। दिस टाइप ऑफ फैक्ट्री कैलिब्रेशन थिंग्स। ओके, तो इसके साथ में ये एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट आता है, बहुत ही स्लीक और अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। ये टच स्क्रीन इंस्ट्रूमेंट है। ओके, इसके साथ में ये 173B मॉडल है, इसका वायर आता है जिससे हम लोग कंप्यूटर में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में आता है आपको एक ये USB स्टिक। इसमें हमारा सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इंस्टॉलेशन पर्पस। ओके, तो अभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे और इनका रिपोर्ट्स बनाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने कनेक्ट कर रहा हूँ इंस्ट्रूमेंट के साथ में। इंस्ट्रूमेंट में ये सी टाइप का केबल है, तो इसमें हम लोग इसको लगाते हैं। ओके, ये लगाने के बाद ये सिंपली USB में अपना जाएगा, ये कनेक्ट हो जाता है। इसे कनेक्ट होगा, ये चार्जिंग का ऑप्शन देगा, अभी ऑफ मोड में है। इसके साथ साथ जो ये पेन ड्राइव आता है जिसमें सॉफ्टवेयर है, इसको मैं लगा देता हूँ। ये अटैच कर दिया, ठीक है, अभी अटैच हो चुका है। ये जैसे ओपन होगा, ये कलरीमीटर का ये सॉफ्टवेयर आता है, इसको ओपन करके कलरीमीटर PC ये सॉफ्टवेयर है, कलरीमीटर एप्लीकेशन। तो इसको हम लोग रन करते हैं, इसको एक्सट्रैक करना पड़ेगा। इसको एक्सट्रैक करते हैं ऑन डेस्कटॉप फोल्डर को, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये पेस्ट, ये कलरीमीटर का सॉफ्टवेयर यहाँ पे आ गया है। अब इसको मैं ओपन कर देता हूँ। जैसे मैं ओपन करता हूँ, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। सी, दिस इज़ ए सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे ये स्क्रीन भी चालू हो गया है। इसको हम लोग स्कैन करेंगे तो LAB वैल्यू दिखता है, ठीक है, वही LAB वैल्यू यहाँ पे भी आ रहा है, सीरियल नंबर्स। ओके, सॉफ्टवेयर का वर्जन। हाँ, अभी यहाँ पे हमको जो पैरामीटर्स चाहिए वो पैरामीटर सेट करना है। इसके Δe का फॉर्मूला मुझे देखना है। Δe में मेरा जो सेट पैरामीटर मुझे डालना है, मैं Δ इसमें ये सेट पैरामीटर करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो फॉर्मूला मुझे जो भी लेना है, Δe या Δuv, है ना, CMC, तो Δe रखा है और Δ मुझे यहाँ पे 1 रखना है टॉलरेंस। तो यहाँ पे जैसे मैं ओके करता हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे ये चेंज हो जाता है, ठीक है। रीड पैरामीटर करूँगा, तो ये इंस्ट्रूमेंट में जो पैरामीटर होगा वो रीड करके ला देगा। अब ये टोटली USB के थ्रू चल रहा है। अभी यहाँ पे आपको रीड माई कलर करेंगे, राइट माई कलर करेंगे, तो ये रीड मतलब इंस्ट्रूमेंट के अंदर से जो कलर्स होंगे इसको रीड करके लाएगा।
राइट में कलर करेंगे, तो जो आपने यहाँ पे रीडिंग लिया है उसको आपको जो भी ओपन करना है फाइल को तो ओपन कर सकते हैं उसको, ठीक है। रीड कलर डिफरेंस इन रिकॉर्ड्स, तो अभी कुछ डेटा है नहीं, हम लोग राइट स्टैंडर्ड कलर करेंगे। जैसे इसको हम लोग स्टैंडर्ड करेंगे, तो जैसे मैं इसको राइट स्टैंडर्ड करता हूँ, तो ये अपने को जो फाइल आएगा, जो भी आपने अगर सेव करके रखी है, तो उससे आप अपलोड कर सकते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट के अंदर, ओके। इसके साथ साथ अभी हम लोग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे कैसे ऑपरेट करना है। तो ये इंस्ट्रूमेंट को अगर मुझे यूज़ करना है थ्रू मोबाइल, तो कैलिब्रेशन का तरीका होता है, तो कैलिब्रेशन डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट के साथ हो सकता है। अभी ऑलरेडी कैलिब्रेटेड है, न्यू इंस्ट्रूमेंट है, सो नो नीड टू कैलिब्रेट इट। इसको मैं ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसमें ये डॉट कनेक्टेड है, इसको मैं जस्ट ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद देखेंगे आप, ये अपना अपैचर है, इससे अपने को रीडिंग आएगा, ठीक है। अब ये अपैचर को मेरे जो सैंपल्स हैं, जैसे कि ये कस्टमर का मेरे सैंपल है, ये बैग मास्टर, ओके, इसको अटैच करके मैं रख देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है सैंपल नंबर बैग मास्टर, इसके ऊपर मैं इसको रख देता हूँ। सो दिस इज माई स्टैंडर्ड, दिस विल बी माई स्टैंडर्ड। तो ये मैं स्कैन स्टैंडर्ड करूँगा, जैसे इस पर रख के, इस पर मैंने रख दिया है स्टैंडर्ड के ऊपर। अब देखेंगे, जैसे मैं इसको स्कैन स्टैंडर्ड करता हूँ, ये एक रीडिंग ले लेगा, ओके। जो रीडिंग इसमें दी है इसने, LABCH, अपने को जो पैरामीटर हमको देखना है वो है LAB, ओके। यहाँ पे भी देखिए वही कैलिब्रेशन रीडिंग्स यहाँ पे भी आई है, इंस्ट्रूमेंट पे भी आई है, ठीक है। अब हमको अगर इसी का स्टैंडर्ड का मैं उठा के इसको दूसरी जगह पे रखता हूँ इसी चीज़ में, और हम उसको एज अ सैंपल स्कैन करें, स्कैन सैंपल, ठीक। तो यहाँ पे आपको जो टॉलरेंस है, ये 90.30 और 90.06 ये आया हुआ है। जो टॉलरेंस है लेस 24 है, तो आपको यहाँ पे लिख के आ रहा है कि स्लाइट ब्लैक है, मतलब डार्क है, ओके। तो इतना टॉलरेंस तो आता ही है, बाकी वैल्यूज जो है नॉर्मल है, विद इन टॉलरेंस रेंज है। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो एज पर पैरामीटर जो मैंने सेट किया हुआ है 1, ये ऑलरेडी पास दिखा रहा है, सी शोज हियर एज अ पास, है ना। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको ये जो नाम है टेस्ट का, इसको रिनेम करना है, तो हम लोग यहीं पर डबल क्लिक करेंगे। ये जो कॉम्प 1 आया हुआ है, इसको मैं नाम देता हूँ बैग मास्टर, जो कस्टमर ने नाम दिया बैग मास्टर। तो आपस में तो ये लगभग डेल्टा E2.24 है, जो कि परफेक्टली मैच ही माना जाता है, तो ये सही है। अब क्या करेंगे हम लोग, इस बैग मास्टर के जो सैंपल्स हैं, इसको इन्होंने जो भेजे हैं हमको अलग अलग सैंपल, जैसे सैंपल 42, सैंपल 24, या सैंपल 68, है ना, इसके साथ मैच करेंगे। अभी हम लोग जो मैच करेंगे वो सैंपल 42, तो सैंपल 42 को मैं इस पर रख देता हूँ, ओके, ये रख दिया। मैं अगेन यहाँ पे स्कैन सैंपल करता हूँ, जैसे मैं स्कैन सैंपल ऐड करूँगा, तो यहाँ पे एक सेकेंड रो ऐड हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे ये टॉलरेंस जो है, मतलब डेल्टा जो है, ये 0.65 आया है, ये पास दिखा रहा है, बिकॉज मैंने जो थ्रेशोल्ड रखा है वो 1 रखा हुआ है। मैं इसको भी कॉम 2 जैसे है यहाँ पे, मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ, और इसका जो नाम है सैंपल 42 ये दे देता हूँ, सैंपल 42, ओके, ये हो गया। अगेन मैं दूसरा सैंपल ले लेता हूँ, जैसे कि सैंपल 24, इसको साइड में रख देता हूँ, सैंपल 24, ये सैंपल 24 के ऊपर मैंने ये रख दिया है, फिर से रीडिंग देता हूँ स्कैन सैंपल। तीसरा ही ऐड हो गया, ओके। अब देखिए इसका जो टॉलरेंस आया हुआ है, जो ये सैंपल 24 है, उसका टॉलरेंस है 1.23,
जो कि टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए इसने ये नॉन ग्रांटेड मतलब पास मतलब फेल दिखाया हमने इसको, बिकॉज इसमें देखेंगे आप स्लाइड ब्लैक भी ज़्यादा है, ए वैल्यू में रेड ज़्यादा है और बी में स्लाइड येलो ज़्यादा है ना, ये प्लस वैल्यूज है। ओके, तो अभी इसको हम लोगों को अगर सेव कर लेंगे, हम लोग इसको नाम देंगे सैंपल 24, ये नाम देते सैंपल 24, ठीक है। मैं सैंपल 24 को फिर से एक बार रीडिंग ले लेता हूँ दूसरे पॉइंट पे, ये देखिए ये रखती है, फिर से रीडिंग ले स्कैन सैंपल, फिर से देखिए 0.1.04, मतलब ये 1 से ज़्यादा ही है इसलिए ये फेल दिखा रहा है इसको, तो ये टॉलरेंस यहाँ पे आपको दिखेगा। मैं अगेन इसको सैंपल 24 को सैंपल 24-A कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस सैंपल के जगह पे हमारा जो और एक सैंपल है दैट इज अबाउट सैंपल 68, ओके, तो सैंपल 68 को लेके हम लोग रीडिंग लेंगे। सैंपल 68 को मैंने इस पे रख दिया है, देखिए यहाँ पे रख दिया है पैचर, और यहाँ पर मैं रीडिंग ले रहा हूँ स्कैन सैंपल, ये पास हो गया। अब ये देखिए ये 0.82 है, 0.82 ये पास है, इसको हम लोग सैंपल 68, ओके, एंटर कर दो, सैंपल 68 इज देयर, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोगों ने पूरा रिपोर्ट कंप्लीट कर लिया है, हम देख पाएंगे कि इसमें हमारे जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कंसिस्टेंटली हेल वैल्यू जो है, ओके, वो हेल में और उसके अगेंस्ट जो सैंपल, ये हमारे मास्टर जो मास्टर के अगेंस्ट हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमने जो भी सैंपल्स लिए हैं, ये सैंपल्स आप देखेंगे जैसे 30 के अगेंस्ट 06, 50 के अगेंस्ट 67, 0.83, 0.33, 0.62, ऐसा एल वैल्यूज में वेरिएशन है और साथ साथ में ही ए और बी वैल्यूज में वेरिएशन है, ठीक है। तो जो हमारा सैंपल नंबर 24 है वो हमारा नॉन ग्रांटेड है अकॉर्ड मतलब अलॉन्ग विद द थ्रेशोल्ड पैरामीटर 1, ओके, बाकी सारे 1 के अंडर हैं तो पास है। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, अगर सिलेक्ट ऑल इस तरीके से करता हूँ आप देखेंगे, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट दबा के मैंने इसको सिलेक्ट ऑल कर दिया, ये सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करके मैं इसको रिपोर्ट लेता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा ये इस तरीके से टेस्ट रिपोर्ट है। टेस्ट रिपोर्ट आ रहा है, तो ये पहला रिजल्ट पास है, है ना। इसी चीज़ को अगर मुझे एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना है तो मैंने सिलेक्ट ऑल कर दिया है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर दूंगा, डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगा, तो जो भी मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है दैट आई कैन व्यू। ये कंपेयर आया मेरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये LS173B है, ये जो हम लोग ने अभी पहले वाले वीडियो में देखा कि हम लोग ने स्क्रीन से ऑपरेट किया, यही चीज़ हमको मोबाइल सॉफ्टवेयर थ्रू भी ऑपरेट होता है। ये एप्पल मोबाइल है मेरा, इसमें ऐप स्टोर में मिल जाता है आपको, कलर मीटर ये एंड्रॉयड में भी मिल जाता है आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप ऑन करोगे इंस्ट्रूमेंट को, ब्लूटूथ ऑन होता है, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दे जाएगा इंस्ट्रूमेंट का, इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। अब जब भी ये कनेक्ट होता है तो ये आपको कैलिब्रेशन के लिए पूछता है, तो सिंपल है, यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है ये बॉक्स है, इसका कवर है, इस कवर को हमको मार्क टू मार्क मैच कर देना है। जैसे कि मैंने इसको देखिए ये मार्क टू मार्क मैंने इसको रख दिया, राइट टर्न अराउंड, तो ये रख दिया राइट टर्न अराउंड, तो ये मैच
लॉक हो गया। जैसे ही लॉक हो गया मैं कैलिब्रेट करता हूँ, सो कैलिब्रेट हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, ओके। जैसे ओपन करता हूँ इंस्ट्रूमेंट को, अब ये जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड ऑलरेडी लिया हुआ है इसकी रीडिंग अगर हम लोग लेते हैं, इसको रख देता हूँ मैं, अब इसकी रीडिंग आपको मोबाइल से लेकर दिखाऊंगा। तो ये मोबाइल में स्टैंडर्ड तो ऑलरेडी स्कैन करना है हमको, ये स्कैन स्टैंडर्ड, तो स्टैंडर्ड आ गया, फिर स्कैन सैंपल, ये सैंपल है, ओके। अब इसमें जो हमने डेल्टा ई का क्यू सी मोड रखा है 1.5 रखा है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ से क्यू सी मोड एज अ 1। देखिए मैं चेंज कर दिया, कभी भी ये पास है, बिकॉज ये शोज 1.5, ठीक है। मैं इसको रेडी कर देता हूँ, स्कैन सैंपल, ओके, इन ऑल नॉर्मल, शोज ऑल नॉर्मल, ओके। अगर हम लोग के भी जो अपना सैंपल नंबर 24 है इसके साथ चेक करेंगे, इसको साइड में रखता हूँ, सैंपल 24, ये हमने दे दिया, और इसको हम लोग स्कैन सैंपल दे, ठीक है 24। जैसे कि और वीडियो में भी हम लोगों ने देखा कि 24 का जो सैंपल है ये ऑलवेज आपका मतलब ये 1 के ऊपर ही जाता है टॉलरेंसेस का, तो ये फेल। इसमें आपको मोबाइल ऑफर में दिखेगा स्लाइट ब्लैक, स्लाइट रेड, स्लाइट येलो, जैसे कि अपने को अदर फॉरवर्ड से भी दिखाया। हम इसको कंपेयर करेंगे सैंपल 68 के साथ, ये सैंपल 68 लेते हैं, सैंपल 68, सैंपल 68, स्कैन सैंपल के पास विदिन 1.9, जैसे कि हमारे पहले वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। ये डेल्टा पास, ये हमारा सैंपल 42, सैंपल 68 को भी हटा दिया मैंने, सैंपल 42, सैंपल 42 में रखा, स्कैन सैंपल, इश्यूज पास, ओके पास। बट यहाँ पे आपको दिख रहा है ना स्लाइट वाइट, स्लाइट रेड, ये टॉलरेंस है, बट ये विदिन टॉलरेंस लिमिट है, 1 के अंदर है इसके पास। सो आज हमने पूरा ये हर एक मोड में, जैसे कंप्यूटर मोड में, इंस्ट्रूमेंट मोड में, या फिर का सॉफ्टवेयर मोड, मोबाइल सॉफ्टवेयर मोड में भी इसको बना के देखा है। सो रिजल्ट इज सेम अगेंस्ट दिस, ये बैक मास्टर आपको दिखेगा कि आपका जो सैंपल है वो 24 नंबर वाला 1 के टॉलरेंस रेंज में फेल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।